अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वबरक मैं तस्लीम जीलानी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे देखिए ये बड़ी ख़ुशी की बात है कि आज एक मुफ्ती साहब ने मुझसे सवाल पूछा हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ लेकिन उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मैं उनके सवाल का जवाब हालांकि वो जानते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं जानते वो जानते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने न, मैं ये समझ लो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मेरा इम्तहान ले रहे हैं और मैं अपना इम्तहान दे रहा हूँ तो दरअसल उन्होंने मुझसे कहा कि हज़रत मुफ्ती सोहेल साहब ने मुझसे कहा कि आप ये बताएं कि इस वक्त में आखिर हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है मुसलमानों को जलील क्यों जा रहा क्यों किया जा रहा है दरअसल ये वजह क्या है तो हज़रत मैं माजरत चाहता हूँ आप मुझसे अच्छा इल्म रखते हैं लेकिन अलहमदिल्ला मैं भी आपका एक छोटा सा तलब इल्म हूँ मैं आपको इसका जवाब यूँ अपनी लफ्ज़ों की अदायगी में देना चाहता हूँ आपका शागिर्द बन के हजरत दरअसल बात यह है अल्लाह तबारक व ताली ने क़र मुक़दस में इरशाद फरमाया व मायाकुम ए नमक तुम तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है यह अल्लाह ताला ने हमें कुरान मुक़दस के ज़रिए आगाह कर दिया हमें समझा दिया अब देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो यानी दुनिया के किसी भी कोने में दुनिया के किसी भी हिस्से में हो अल्लाह तुम्हारे साथ है अब लोग ये सोचते होंगे कि भाई ऋशान को मारा तो उसके साथ भी तो अल्लाह था अब बरह अल्लाह हर किसी के साथ है देखिए अल्लाह हमारे हर वक्त साथ रहता है तो जो आज मुसलमानों को जलील किया जा रहा है उनके साथ में भी अल्लाह है अब मैं आपको यहाँ समझाऊँ एक मैं एक मिसाल दे दूँ हालाँकि अल्लाह हर मिसाल से पा के लेकिन आपको समझाने के लिए मेरा रब हर मिसाल से पा के आपको समझाने के लिए कहना चाहता हूँ देखिए आपने देखा होगा मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो जब तक मुर्गी के पास में रहते हैं कोई भी शिकारी जैसे चील या कौवा वगैरह उस पर हमला करता है तो वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बचा लेती है अब आपने ये भी देखा होगा कि वही बच्चे जब मुर्गी से दूर चले जाते हैं वो बच्चे जब मुर्गी से दूर जाते हैं तो फिर वह है वो शिकारी का शिकार हो जाते हैं यानी कौवे का या चील वगैरह का शिकार हो जाते हैं तो मुर्गी से दूर जाते ही बच्चे जो है वो शिकार में आ जाते हैं शिकारी उनको शिकार कर लेता है तो इसी तरीके से हजरत ये जो है जब हम अल्लाह से दूर हो गए जब हम अल्लाह से दूर हुए तो जब हम अल्लाह से दूर हुए तो हमें मारा जा रहा है हमें जगह जगह जलील किया जा रहा है हमें जगह जगह कत्ल किया जा रहा है दरअसल जब अल्लाह के हम कुर्ब में रहते थे तो हमें कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ करता था जब हम अल्लाह के कुर्ब को छोड़कर आज हम दुनियावी कामों में लग गए हम अपने रब को भूल गए आज हम अपने रब की चौखट तक पर नहीं जाते तो उसकी दरअसल वजह यही है कि हम जब जो है अल्लाह के क़ुर्ब को छोड़ दिया तो आज हम पर ये जुल्म हो रहे हैं हम जो है आज जगह जगह जलील हो रहे हैं आपको हज़रत में बताऊँ हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम का वाक़या है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम पर जो है यहूदियों ने जब हमला किया आप आगे आगे दौड़ रहे थे तो हज़रत ज... मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं समझा दूँ हज़रत ज़करिया एक दरख्त के करीब पहुँचे तो आप उस दरख्त में घुस घुस गए यानी आप उसके अंदर चले गए अब ये यहूदियों ने देखा तो आर यहूदी वहाँ से आए उधर शैतान ये मंजर देख रहा था तो शैतान जो था वो इंसान की सूरत में आया और आने के बाद वहीं खड़ा हो गया और उधर से यहूदिया उन्होंने कहा कि आपने यहाँ किसी जक्रिया को देखा है जो नबी कहलाता है कहाँ हमने देखा है कहा शैतान ने कहा वो इस पेड़ के अंदर है अब शैतान तो इंसान की सूरत में था तो कहा वो इस पेड़ के अंदर है तो लोगों ने कहा नहीं पेड़ के अंदर इंसान कैसे जा सकता है कहा वो जैसे भी गया वो इस पेड़ के अंदर है। तो शैतान ने कहा अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस पेड़ को काटो अगर ज़करिया होगा कट जाएगा तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और नहीं हो तो मुझे कत्ल कर देना कहा ठीक है लोगों ने पकड़ा और कुछ लोगों ने आरा चलाया जब आरा चलते चलते हज़रत ज़करिया के सर के करीब आया तो ज़करिया ने कहा जक़रिया ने निदा की मौला मुझे बचा ले रब की तरफ़ से फ़रमान हुआ ए जकरिया जब दरख्त में गए थे उससे पहले मुझसे मदद मांगते अब जकरिया अल्लाह के पैगंबर हैं आप देखें ज़करिया अल्लाह के पैगंबर हैं लेकिन अल्लाह ने ज़करिया सलाम को इम्तिहान लिया उनका इम्तिहान लिया और बताया कि जो लोग अल्लाह का नाम लेके नहीं निकलते हैं हालांकि ज़करिया अल्लाह के हैं अल्लाह ने उनसे कहा कि ये काम करो ताकि कौम आगा हो कौम की समझ में आए कि जो अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं उन्हें मारा नहीं जाता उनको काटा नहीं जाता उनको जलील नहीं किया जाता अब जो अल्लाह के कुर्ब से चले गए यानी हज़रत ज़करिया साम वो तो अल्लाह के पैगंबर हैं लेकिन अल्लाह ने उनका इम्तहान लिया तो आना चलते चलते जकरिया साम के सर के करीब आया तो ज़करिया आसमाम ने कहा मौला मुझे बचा ले रब की तरफ से निदाय ज़करिया जब दरख्त में गए थे तो उससे पहले मुझसे मदद मांग लेते तो मैं तुम्हारी मदद फरमा देता आप कट जाओ ताकि क़्यामत तक के मुसलमानों को पता चल जाए ज़करिया अल्लाह की मोहब्बत में शहीद हुए थे यानी अब आप ये समझें कि जो अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं आप देखें कि अब हज़रत ज़करिया का अल्लाह ने इम्तिहान लिया इसी तरीके से एक झात और जिसको हम हमारे नबी मोहम्मद वसल्लम कहते हैं तो हज़रत समझें आप कि आपने वो ग़ार हराक का वाक्य पढ़ा होगा आप जानते होंगे कि जब हज़रतूर सल्ला ताली वसम और सैदना सिद्दीक के अकबर साथ में थे तो आप एक ग़ार में पहुँचे आपको भी इधर से भी इधर से भी जो है यहूदी हैं उधर से भी यहूदी थे लेकिन अब इधर मंजर कुछ और है ये अपने रब का नाम ले निकले तो सिद्दी के अकबर बेकरार हुए अर्ज की कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहूदी तलाश कर लें तो रब की तरफ से निदाई ए महबूब कह दो ला तजन घबरा उमत तुम्हारे साथ अल्लाह तुमने अपने रब की पनाह ली है तुम अपने रब का नाम लेकर निकले हो तो वो जो अपने रब का नाम लेके निकले थे तो अल्लाह ने एक कबूतरी के अंडों के जरिए उनको बचा लिया मकड़ी के जाले के जरिए उनको बचा लिया तो हज़रत वो जो अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं उनको कोई मारने वाला पैदा नहीं होता उनको कोई काटने वाला पैदा नहीं होता दरअसल सारी वजह जो है वो हमारी है हम इधर उधर बिखर गए हम इधर उधर बढ़ गए तो जो है हमें आज जलील किया जा रहा है हमें मारा जा रहा है और हज़रत मैं आपके सवाल का जवाब शायद नहीं दे पाया लेकिन जो मेरे इल्म में था मैंने उसका जवाब